मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार की लगातार कोशिशों से किसानों को समय पर खाद, बीज और सिंचाई की सुविधा मिलने लगी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि पर ड्राप मोर क्राप जैसी योजनाओं ने खेती किसानी को लाभकर बनाया है। सिंचाई व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। नलकूपों के सुगम संचालन के लिए गांवों में बिजली आपूर्ति न होने की समस्या दूर की गई है। यह सब किसान के हितों को संरक्षित करने की ही कोशिश है। सीएम योगी ने कहा कि खुशहाल किसान समृद्ध प्रदेश की आधारशिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों की खुशहाली के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश में नवचयनित 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहली बार नलकूप चालकों के चयन के लिए परीक्षा और फिर प्रशिक्षण कराए जाने की नीति को ऐतिहासिक बताते हुए सीएम योगी ने नलकूप चालकों को खेती का महत्वपूर्ण अंग बताया। सीएम ने पहली बार नलकूप चालकों के पद पर महिलाओं के चयन पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा, यह 516 महिला नलकूप चालक एक नया इतिहास रच रही हैं। सीएम ने नवचयनित सभी नलकूप चालकों को बधाई देते हुए उन्हें जल संरक्षण की भी सीख दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में तैनाती पाने वाले नवचयनित नलकूप चालकों से संवाद भी किया। सीएम ने कहा कि सभी 3209 नवचयनित अभ्यर्थियों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि उन्हें किसी सिफारिश या जुगाड़ से यह नौकरी नहीं मिली है। यह नौकरी आपकी अपनी मेघा, क्षमता और मेहनत से मिली है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नौकरी का एकमात्र आधार मेरिट ही है। पिछले दिनों 69,000 प्राथमिक शिक्षकों के चयन की बात हो या पुलिस विभाग में 1,37,000 पदों पर नियुक्ति, एक भी चयन सिफारिश या जुगाड़ से नहीं हुआ है। जिसमें प्रतिभा है उसे ही नौकरी मिलेगी। सीएम ने कहा कि बीते 3.5 साल में करीब 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है तो 15 लाख ने निजी क्षेत्र में कैरियर बनाया है। यही नहीं, बैंकों से जोड़कर सरकार ने 1.5 करोड़ युवाओं को स्वतः रोजगार के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं। सीएम ने कहा कि मिशन रोजगार का यह क्रम जारी रहेगा। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण एवं पदस्थापना कार्यक्रम में लखनऊ में तैनाती पाने वाले नवचयनित नलकूप चालक शोभित शुक्ला, सुजीत नारायण, अरुण कुमार, ख्याति शर्मा और कंचन निषाद को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया, जबकि शेष युवाओं को जनपदों में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नियुक्ति पत्र दिए। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बीते 3.5 साल जल शक्ति विभाग के लिए ऐतिहासिक रहे हैं। प्रदेश में सिंचित भूमि का दायरा 23 लाख हेक्टेयर हो गया है तो वर्षों से खाली पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो रही है। 2011 के बाद पहली बार नलकूप चालकों की नियुक्ति हो रही है। इस बार पहली बार महिलाओं की तैनाती भी नलकूप चालक के पद पर हुई है। यह ऐतिहासिक है। यही नहीं, पहली बार इस पद के लिए बाकायदे परीक्षा कराई गई है। सफल अभ्यर्थियों को 1 माह का प्रशिक्षण दिया गया है। जल शक्ति मंत्री ने सभी नवचयनित नलकूप चालकों को मनचाहे जनपद में तैनाती पर बधाई भी दी है। इससे पहले अपर मुख्य सचिव जल शक्ति टी वेंकटेश ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई यांत्रिक विभाग में 34,401 राजकीय नलकूपों के लिए 18,811 नलकूप संचालकों के पद स्वीकृत हैं। अभी तक 9,198 नलकूप चालक ही सेवारत थे, जिसके कारण एक ऑपरेटर के जिम्मे 4 से 5 नलकूप होते थे। अब जबकि 3,209 नए चालक मिल रहे हैं तो प्रदेश में कुल 12,407 चालक हो जाएंगे। इसके बाद अब एक ऑपरेटर के पास 2 से 3 नलकूपों की जिम्मेदारी होगी, जो कि सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होगी। इसमें 237 कैंडिडेट बाहर स्टेट्स के हैं सर, 33 कैंडिडेट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कैंडिडेट हैं सर, 30 कैंडिडेट भूतपूर्व सैनिक से सिलेक्ट। नया उत्साह, नई क्रांति पैदा हो रही है और हमको लगता है आज की जो जनशक्ति नलकूप चालकों के रूप में हमको प्राप्त होगा विभाग में, और आपका जो मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा उसके माध्यम से जल शक्ति में एक नई शक्ति हमको प्राप्त होगी और अच्छे ढंग से हम लोग काम कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया आशीर्वाद के लिए। आपकी प्रेरणा, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, और उसी दृष्टि से सिंचाई विभाग भी अपनी पूरी ऊर्जा तन्मयता के साथ काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज आपका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए एक नए आयाम को कायम करने में, सफलतापूर्वक चलने में बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इस अवसर पर एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अमूल्य समय हम सबको आशीर्वाद देने के लिए दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। एक एक नाम बोलते जी। आइए मंत्री जी। एक एक नाम बोलते।
कहाँ घर है? सर लखनऊ। वाह बहुत सुंदर, बधाई आपको। क्या क्या था आपने? कहाँ से? ग्रेजुएशन किया। यहीं पर रहने वाले भी यहीं के हैं जी? चले बधाई आपको, बहुत सुंदर। नमस्ते, आइए। कहाँ घर है? हरदोई से। बहुत सुंदर, कहाँ चयन हो रहा है? लखनऊ। काम कर लेंगे मजबूती से? जी। बहुत सुंदर, बधाई। कहाँ घर है जी? फोटो। और कहाँ? लखनऊ में काम कर लेंगे। आईटीआई किया आपने? यस सर, गवर्नमेंट आईटीआई में। बहुत सुंदर, और आगे जाओ, आगे जाओ, डरने की आवश्यकता नहीं। वाह बधाई आपको। क्या किया है? आईटीआई किया। कहाँ से? इधर आ जाओ। कहाँ घर है? लखनऊ की। और लखनऊ में तुम्हें नियुक्ति मिल रही है? यस सर। काम करेगी कायदे से ना? यस सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको। बहुत सुंदर, आओ जी। कहाँ घर है आपका? आपको कहाँ? लखनऊ में नियुक्ति मिल रही है? काम कर लेगी लखनऊ में? कैसे करेंगे? सर मैं मेहनत से मन लगा के मानता हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर, मेहनत करो, बहुत अच्छा। आप लोग इसको थोड़ा ऊपर करो बेटा। इधर आ जाओ, आगे आगे चीफ साहब, इधर आ जाए, विभागीय लोग आ जाए। गोरखपुर से मिस्टर आदित्य कुमार सिंह है सर, ये भी हाई रैंकर है और गोरखपुर जनपद में सर्वोत्तम रैंक है। वाह भाई। नमस्ते जी, बैठिए आप। गोरखपुर में कहाँ घर है आपका? सर गोरखपुर में गाड़ी पार्क में रूम लिए हुए हैं। अच्छा, देवरिया पड़ता है, वहाँ देवरिया के रहने वाले हैं और गांगी बाजार में आपका चयन हुआ है, गांगी बाजार के लिए हुआ है। हाँ सर। तो काम करेंगे मेहनत से? जी सर। ऐसा तो नहीं कि रोज देवरिया भाग जाएंगे, फिर लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, नलकूप पे ताला लगा हुआ है और बाद में लोग ढूंढ रहे हैं? नहीं सर, वहीं हम रहते हैं, रूम लिए हुए हैं, वहीं रहते हैं। मेहनत से काम करेंगे ना? कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? अरे नहीं, ऐसा नहीं, वो सांसद जी आपके रवि किशन जी वहाँ बैठे हुए हैं, पता लगा मुंबई से फोन किए होंगे। गोरखपुर से और आज महिलाओं की शक्तिकरण और ये जो आप एकदम अद्भुत सा एक नया रूप धारण किए हैं, पूरा देश के प्रदेश के हर मुख्यमंत्री आपको देख रहे हैं और आपको अगुवाई समझते हैं। धन्यवाद। क्यों ऐसा तो नहीं पड़ा हो सकता, ये फतेह बहादुर जी आप ही के क्षेत्र के रहने वाले थे, वहीं के गांगी बाजार में तो इनका क्षेत्र पड़ता है। नहीं महाराज जी, इतना ना खौफ है आपका कि फोन खुद ही नंबर नहीं लगता, अगर किसी को करना भी है ना तो फोन अपने आप कट जाता। 30 साल बाद नियुक्ति हुई है, आपके आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि ट्यूबवेल पे ऑपरेटर नहीं थे, आपकी देन है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर अब हम ट्यूबवेल पे मिले। तो मेहनत से काम करेंगे। हाँ, सरकारी नौकरी अब हो रही है, पहले लोग जाते नहीं थे, तनखा लेते थे, ये नया शुरू हो गया कि अब सारे लोग डर के मारे सवेरे 9:15 पहुंच जाते हैं 9 बजे की ड्यूटी। चलिए बहुत सुंदर, बधाई आपको आदित्य जी, बहुत बहुत बधाई। पुराई जालौन मिस अर्चना समाधिया, जालौन पुराई। हाँ नमस्ते, कैसे हैं अर्चना जी आप? बहुत बढ़िया हैं सर जी। काम कर लेंगे, पंप ऑपरेटर के जो नलकूप ऑपरेटर के रूप में काम करेंगे जी सर। मेहनत से जी सर। तो ये मौका तो नहीं देंगे, वहां पे हमारे जो विधायकगण बैठे हुए हैं इन लोगों को मौका तो नहीं करेंगे शिकायत करने का? ये लोग और कहीं के बोलेंगे कि देखिए जो पंप जो नलकूप ऑपरेटर हुए ये लोग पानी नहीं उपलब्ध करा रहे किसान के खेत में, ऐसे नौबत नहीं आएगी ना? बहुत सुंदर, देखिए महिला होते हुए आपने पहली बार नलकूप ऑपरेटर महिलाओं का चयन हो रहा है और उसमें भी आपका चयन हो रही जैसे जनपद में हो रहा है, आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को बधाई देते हैं।
और धन्यवाद देता हूं मैं अपने सभी विधायकों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान दिया है। बहुत बहुत बधाई। अयोध्या से कुमारी पारुल मौर्य। आप बैठिए, आप पारुल जी आराम से बैठिए, बैठ के आप बताइए। हाँ नमस्ते, आपका जो है नलकूप ऑपरेटर के रूप में चयन हुआ है। बहुत सुंदर। देखिए आप एक तो अयोध्या की रहने वाली हैं, कहाँ घर घर कहाँ है आपका? प्रॉपर अयोध्या की है और उसमें भी फिर पहली बार महिलाओं का चयन हो रहा है नलकूप ऑपरेटर के रूप में। कहाँ से आपने आईटीआई किया था? बहुत सुंदर। और अब आपकी कहाँ तैनाती कहाँ हुई है? काम कर लेंगे मेहनत से। जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। कोई दिक्कत आपको? नो सर। मेहनत से काम करेंगे ना? जी सर। किसानों को कोई अवसर तो नहीं देंगे शिकायत करने का? जी सर, कोई मौका नहीं देंगे शिकायत का। बहुत सुंदर। आपको, आपके जितने भी जनप्रतिनिधि परिवार के सदस्यों को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनके सहयोग से सारी कार्रवाई बहुत पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है, और ये अच्छा प्रयास है और इस कार्यक्रम को और आगे अच्छे ढंग से बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। रामपुर। जी सर। रामपुर में वहां पे सरदार बलदेव सिंह जी भी होंगे हमारे मंत्री? जी सर। वहीं पे हैं या सिंधु बॉर्डर पे हैं? तो परमजीत सिंह जी आप जो है पहचानते हैं इनको, सरदार बलदेव सिंह औलख जी को? जी सर। कैसे? अच्छा, आपके जिले के मंत्री साहब हैं। जी सर। तो पंप ऑपरेटर के लिए लगता है उन्होंने सिफारिश की होगी आपकी? तो अच्छा जी, सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो फिर मंत्री होने का मतलब क्या फिर जिले का है? तो मेहनत से काम करेंगे ना? जी सर। ऐसा तो नहीं कि अब जो है फिर सरदार बलदेव सिंह औलख जी नाराज हो जाएं इस बात को लेकर के कि ऐसे व्यक्ति को पंप ऑपरेटर बना दिया है कि जो व्यक्ति जो है समय देता ही नहीं क्षेत्र में और तो खेतों में किसानों के लिए जो है, क्योंकि मंत्री जी की बड़ी खेती है वहां। मेहनत से काम करेंगे ना? जी सर। उतनी मेहनत से जितना वहां के किसान करते हैं। जी सर। बहुत सुंदर। हाँ बताएं। नमस्ते बलदेव जी। बाड़ा जी, आपके नेतृत्व में 2017 के बाद और खास करके मैं कहूँ तो हमारे जो जनशक्ति विभाग है, हाँ, पहले यही और उसके बाद यही और उसके बाद नलकूपों का बहुत सारी कमी थी और आपके नेतृत्व में आज ये सपना साकार हुआ है। मैं रामपुर की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने एक संकल्प लिया था 2017 में कि रोजगार देने का, कई लाख लोगों को आपके द्वारा रोजगार मिला है, चाहे शिक्षक हो, चाहे जेई हो, एई हो, और भी बहुत सारे नौकरी दी गई है उनके सबकी तरफ से। आज बलदेव जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मंत्री के रूप में अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, और परमजीत सिंह जी को भी जिनका नलकूप ऑपरेटर के रूप में वहां से चयन हुआ है, अब ये वहां अपनी सेवाएं वहां देंगे। बहुत बहुत बधाई परमजीत जी आपको। नमस्ते जी। प्रतापगढ़ से मिस्टर विनोद कुमार मिश्रा। प्रतापगढ़। हाँ नमस्ते विनोद जी, बैठिए। आपका नलकूप ऑपरेटर के रूप में चयन हुआ है? जी सर। तो प्रतापगढ़ से कोई सिफारिश वगैरह की नौबत तो नहीं आई थी आपको? नहीं सर, ऐसी कोई मौका नहीं मिला। अच्छा, मौका मिला नहीं। कहाँ से आईटीआई किया था आपने? यही जीआईटी से सर।
अच्छा बहुत सुंदर। और अब आपका चयन हो रहा है जी। ऐसा तो नहीं कि संगम लाल जी को लेकर के इधर उधर घूमना की नौबत आई होगी? अरे सर तो चाहते हैं कि वो मिल के चले जाते हैं। अच्छा ये तो कहते हैं सर जी कि हम ऐसे सिफारिश कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ये अच्छा है ना? ये तो अच्छी बात है कि अगर सांसद विधायक इस बात को कह रहे हैं कि देखो गलत सिफारिश नहीं करेंगे, मेरिट के आधार पर लोगों का चयन होने देना चाहिए जिससे जनता को मेरिट के आधार पर उसका लाभ मिल सके जी, जी। और ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि का यही गुण होना भी चाहिए जी। देखिए अगर आज आप जैसे सभी लोगों का 3,200 से अधिक नलकूप ऑपरेटर के रूप में आप लोगों का चयन हो पा रहा है तो इन्हीं जनप्रतिनिधियों के कारण हो पा रहा है जी, जी। देखिए अच्छे लोग चुनेंगे, अच्छे लोग सरकार में आएंगे, अच्छे लोग उसको समर्थन वाले होंगे तो अच्छा कार्य भी सामने नजर आएगा और पारदर्शी तरीके से लोगों को शासन की सुविधा का लाभ भी मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर आपको, आपके परिवार के सदस्यों को, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सहारनपुर से मिस्टर विकास कुमार, सहारनपुर। नमस्ते विजय जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा विकास जी, आपके यहाँ विकास कुमार विकास कुमार जी कहाँ घर है आपका? सर सहारनपुर में। सहारनपुर प्रॉपर के आप रहने वाले हैं? जी सर। और आपने आईटीआई कहाँ से किया? सर राजकीय आईटीआई सहारनपुर से किया था। बहुत सुंदर। और आज आपका चयन होकर के अब आप नलकूप ऑपरेटर के रूप में काम करेंगे? जी सर, किसानों की सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत सुंदर। तो देखिए एक अद्भुत क्षण है आप लोगों के लिए, अपने जनपद में अपने स्थानीय स्तर पर नौकरी भी मिल गई, सेवा करने का भी अवसर मिलेगा और जमीन से जुड़ने का भी अवसर मिल रहा है जी सर। इसके लिए कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना कभी? सर आपकी कृपा से सब कुछ ऐसे ही हो गया। देखिए धन्यवाद दीजिए विजय जी, आपके वहां के वहां से मंत्री भी हैं, अपने जितने विधायक गण हैं इन सब लोगों को, इन लोगों ने बहुत पारदर्शी व्यवस्था बनाने में योगदान दिया है जिसके कारण एक पारदर्शी नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया प्रदेश सरकार बनाने में सफल रही है और उसी का परिणाम है कि आप जैसे अभ्यर्थियों का भी चयन शासन की किसी भी नौकरी में ईमानदारी पूर्वक हो पा रहा है। ये अद्भुत क्षण है और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 3,209 नलकूप चालकों की नियुक्ति की आज की इस प्रक्रिया के नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण के आज के समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, श्रीमान विजय कश्यप जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी मान्य सांसद और मान्य विधायकगण, आज के समारोह में मेरे साथ यहां लखनऊ में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव जल शक्ति श्री टी वेंकटेश जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, सिंचाई और जल शक्ति विभाग से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, जनपद मुख्यालयों में उपस्थित हमारे सभी अन्य अधिकारी और उपस्थित सभी नवनियुक्त नलकूप चालकगण, मैं सबसे पहले एक पारदर्शी तरीके से
चयन की इस प्रक्रिया को मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज 3209 नलकूप चालकों का एक साथ प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर संपन्न हो रही है, जो प्रदेश के अंदर हमारे किसान भाइयों के आय की अभिवृद्धि करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए जितने भी नलकूप चालक हैं इन सब की सफलतापूर्वक चयन की इस प्रक्रिया के लिए और आज नियुक्ति पत्र के माध्यम से जब ये लोग अपने कार्य के साथ प्रदेश की सेवा में किसानों की सेवा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, मैं इसके लिए हृदय से इन सब को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जो हमारे जल शक्ति मंत्री ने एक बार कही बात कही कि प्रदेश के अंदर हमारे पास लगभग 23 लाख हेक्टेयर कृषि लैंड ऐसी है जो नलकूपों से जहां सिंचाई होती है, यहां पर बहुत सारी जगह किसानों ने अपने नलकूप बनाए हैं, बहुत सारी जगह शासन ने बनाए हैं, लेकिन जो 34,000 के आसपास सरकारी नलकूप हैं, इन 34,000 से अधिक सरकारी नलकूपों में सब जगह हमारे पास नलकूप चालक नहीं थे। वहां पर हमारे पास एक एक नलकूप चालक को चार चार पांच पांच नलकूपों में अपनी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता था, समय से किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने सबसे पहले तो विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति अनवरत बनी रहे। आपने देखा होगा पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर गांवों में या शहरों में विद्युत की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है, जिन गांवों में बिजली नहीं थी वहां बिजली उपलब्ध कराई गई और फिर इस किल्लत को दूर किया कि नलकूप है लेकिन बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर जल जाता था उसको एक समय सीमा के अंदर बदलने की कार्रवाई को संपन्न किया और आज प्रदेश के अंदर हमारे पास जब विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की तो नलकूप चालकों की चयन की एक पारदर्शी व्यवस्था को भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया और आज उसका परिणाम है कि अब यह संख्या 9,000 से बढ़कर के 12,000 होने जा रही है नलकूप चालकों की। बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि देश के अंदर किसानों की आय को दुगना करना है 2022 तक, तो 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए 2022 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है और वह तिथि है या जब यह देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उन स्थितियों में हम देश की जनता को क्या देने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से खेती किसानी देश का आधार है, हमारा अन्नदाता किसान है और अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के अंदर जितने कार्यक्रम चलाए, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, वहां पर तकनीक के साथ जोड़ते हुए हर एक किसान के यहां पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना हो या फिर किसानों के लिए तमाम वे योजनाएं जिसमें मृदा परीक्षण करने की योजना हो या फिर किसान के खेत तक जल उपलब्ध कराकर उसकी आमदनी को आगे बढ़ाने और जो भी उत्पादन किसान के खेत से आता है खासतौर पर MSP का लाभ, आजादी के बाद पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को पहली बार मिलना प्रारंभ हुआ। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 2,20,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसानों के खाते में DBT के माध्यम से पैसा जाए, समय पे खाद की उपलब्धता, समय पे बीज की उपलब्धता,
खेती से लेके बाजार तक की पूरी व्यवस्था को किस तरीके से व्यवस्थित रूप से एक चेन बनाने का कार्य हुआ है, यह अभूतपूर्व कार्य और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ आज उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग के ये सभी नलकूप ऑपरेटर भी जुड़ने जा रहे हैं, जिसमें किसान की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है। मैं इसके लिए जहां विभाग को धन्यवाद देता हूं, वहीं 3209 नलकूप चालकों के रूप में आपके सभी के चयन के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि आज आप जल शक्ति विभाग के एक पार्ट बन चुके हैं। अब विभाग को कार्य कैसे करना है, इसके लिए आप सबको अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग करना होगा। देखिए, मुझे जितने भी हमारे नलकूप ऑपरेटर चयनित हुए हैं, इन सब से एक बात कहनी है, आप में से 3209 का चयन हो रहा है, एक भी व्यक्ति को कहीं सिफारिश करने की नौबत नहीं आई होगी, न नियुक्ति के लिए और न चयन की प्रक्रिया के लिए, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने जब से विभाग का कार्यभार संभाला है, उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हुए, तकनीक के साथ जोड़ते हुए और चयन की प्रक्रिया में जितनी शुचिता और पारदर्शिता लाई है, ये विभाग के लिए, अन्य विभागों के लिए भी अनुकरणीय है कि जब हम अपनी पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से टॉप टू बॉटम इसका प्रभाव पड़ेगा और हर एक व्यक्ति इसका लाभ लेगा। और ये चीज आज जल शक्ति विभाग में देखने को मिला कि 3209 नलकूप ऑपरेटर एक साथ चयन होकर के इस प्रक्रिया का पार्ट बन रहे हैं। इसमें से किसी भी व्यक्ति को चयन के लिए भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी या फिर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए भी किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण नियुक्ति पत्र लेकर के आपके जिले में आपके साथ खड़े हैं और आपको इसका सम्मान दे रहे हैं कि आप, ये सम्मान आपकी प्रतिभा का है और आपके माता पिता का है कि जिन्होंने आपको पढ़ाया है उनका ये सम्मान हमारे जनप्रतिनिधिगण स्वयं अपनी उपस्थिति में कर रहे हैं कि उन्होंने जो मेहनत की उस मेहनत का सुफल आज इस रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। अब आपका दायित्व तो बनता है कि पूरी ऊर्जा और पूरी क्षमता के साथ हरेक अन्नदाता किसान को उसके खेत तक मिलने वाली जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा, अनावश्यक रूप से बहुत बार होता क्या है, सरकारी नलकूप है तो लोग नलकूप छोड़ करके एक बार ऑन करके चले जाते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, पानी चलता रहता है, गिर रहा है। एक एक जल की बूंद की कीमत को हमें समझना होगा। हमारे लिए किसान को जल की पर्याप्त उपलब्धता कराने के साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जल की एक एक बूंद के संरक्षण की भी कार्य योजना तैयार करें, क्योंकि यह जल हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है और हम उत्तर प्रदेश के वासी इससे बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रचुर मात्रा में हमारे पास सरफेस वाटर भी है और ग्राउंड वाटर भी है। लेकिन इसका उचित नियोजन करने की जिम्मेदारी और जो बरसात में अतिरिक्त जल आता है उसके संरक्षण की व्यवस्था भी हमें करनी ही होगी, क्योंकि अगर एक लंबे समय तक जीव सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो आवश्यकता होगी, उसकी शुरुआत आज से हमें करनी होगी। डार्क जोन से हमें बचाना होगा, इसके फैलाव को रोकना पड़ेगा। खारे जल की समस्या का समाधान ही जल संरक्षण है और जल संरक्षण के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि बहुत पारदर्शी तरीके से काम जल शक्ति विभाग ने प्रारंभ किया है। पहले आपने देखा होगा कि असिस्टेंट इंजीनियर्स की नियुक्ति होती है पूरी पारदर्शी तरीके से, चयन भी और फिर नियुक्ति पत्र भी, फिर जूनियर इंजीनियर्स की होती है, हमने पिछले महीने ही उनकी नियुक्ति पत्र वितरित किए थे, पूरी प्रक्रिया में कोई उंगली नहीं उठा सकता। और आज हम लोग नलकूप चालकों की चयन की इस प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र वितरण की इस कार्रवाई को आज संपन्न कर रहे हैं, और यही तो किसी भी अन्य सरकार से एक नई पहचान ये सरकार बना रही है कि हम
भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे, शोषण किसी का नहीं होने देंगे। पूरी पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और आज उसी का परिणाम है कि हमने पुलिस में 137,000 से अधिक भर्तियां करी और वे सभी प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित माहौल देने का कार्य कर रहे हैं। हमने प्रदेश के अंदर लगभग 1,00,000 के आसपास बेसिक शिक्षा के चयन शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया और इस चयन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र देकर के प्रदेश के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में उन सब के द्वारा योगदान किया जा सके, इस पर भी हमारी कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और ये प्रक्रिया हमारी पूरी हुई। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, अन्य सभी विभागों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी शानदार तरीके से आगे बढ़ी है और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं होंगे, हम कुछ ही दिनों के अंदर 4,00,000 से अधिक सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे 3-3.5 वर्ष के दौरान, और साथ साथ शेष अन्य विभागों में भी इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये कार्य हमारा केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। पिछले 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने 15,00,000 से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। बैंकों के साथ जोड़ने का काम किया गया है कि वे अपना स्वतः रोजगार कर सकें और एक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के एक उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वे लोग अपनी भूमिका को चिन्हित कर सकें और उस दिशा में अपना योगदान दे सकें, और सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इस सरकार का मिशन रोजगार का जो अभियान है उसी कड़ी का हिस्सा है और उसी कड़ी के साथ आज एक बार आप सबको जोड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के अंदर यह सेक्टर एकदम अछूता सा हो जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग को और विभागीय मंत्री को कि उन्होंने इस क्षेत्र को, वास्तव में ये रीढ़ है किसानों की, किसान की आमदनी को दुगुना करना है तो किसान को आवश्यक है हम तकनीक के साथ जोड़ें, उसके खेत को पानी उपलब्ध कराएं, समय पे बीज उपलब्ध कराएं, समय पे खाद उपलब्ध कराएं और फिर उसकी उपज को हम क्रय करने की व्यवस्था प्रारंभ करें। ये सारी चेन एक साथ बनाई गई है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस चेन को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और आज ये प्रक्रिया 3,209 नलकूप ऑपरेटर के रूप में आप सबका चयन उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आप सबको अभी नियुक्ति पत्र सभी संबंधित जनपदों में हमारे मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के प्रदेश के अंदर किसानों की आमदनी को कई गुना करने में अपना योगदान देंगे और साथ साथ जल शक्ति विभाग ने जिस विश्वास के साथ इस चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और नियुक्ति पत्र आज वितरण कर रहे हैं, उन सभी अपेक्षाओं पर खरा उतर करके अपने स्वयं के विभाग की और अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया को चरितार्थ करने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।